हमारे साथ इस वक्त राज राजेश्वर जी जो जुड़े हुए हैं वो इस वक्त ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं। उनसे सीधे पूछते हैं कि आखिर ये मसला ब्रिटेन में इतना ज्यादा भड़क क्यों गया। राज राजेश्वर जी, कम शब्दों में जल्दी से हमें बताइए कि हमें सभी पैनलिस्ट के पास जाना है, ये ब्रिटेन में हो क्या रहा? एकदम से क्यों हिंसा भड़क गई? ये समस्या जो बड़ी गणेश चतुर्थी के दिन से लेस्टर में अंडे फेंके गए, लेस्टर की वहां जनता को थोड़ा अपने आप में भड़काया गया, इस बात को लेकर धीरे 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 फिर इस जो क्रिकेट का था मैटर को लेकर के वहां के एक दो मंदिरों को लेकर के फिर वहां ध्वजा को तोड़ना, मंदिर के ऊपर हमला करना, ये सब ये कार्य में मैं हम खुद सोच रहा हूँ, हम खुद सोच रहे हैं। मैं अभी दो तीन दिन पहले भी लेस्टर गया, लेस्टर की पुलिस के साथ भी मीटिंग की, यहाँ भी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से भी मेरी मीटिंग की कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही कार्य चलता रहेगा तो जो इंग्लैंड के जितने मंदिर है वो मंदिर की सुरक्षा क्या रहेगी, और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे कार्यों में बढ़ते जाएंगे तो ये लोग कौन है, ये कौन है, इनको दिक्कत क्या है? देखो इसके अंदर पूरी जो लॉबी काम कर रही है उस लॉबी तो हम सब देख ही रहे कि कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां से जा रहे हैं, मगर अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लेस्टर के मिडलैंड पुलिस भी कर रही है, लंदन की पुलिस भी कर रही है कि कौन कहां से जा रहा है, मगर जो व्यक्ति वहां खड़े थे वो इस्लामिक धर्म के लोग थे ऐसा भी मैंने सुना है और वीडियो में भी हम देख रहे हैं। मैं राज राजेश्वर आपसे चाहूंगा आप हमें खुल के बताएं, क्योंकि सवाल यहां पर यही है कि आखिर ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों है। हमारे साथ इस वक्त वकास खान है इस्लामाबाद से। वकास साहब, ये क्या हो रहा है आखिर, ये इसमें पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ अब ब्रिटेन में भी साजिश रच रहा है। देखिए, आई मस्ट से दिस इज द पोर रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड। हम पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या श्रीलंका के अंदर बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड नेशन है कि जहाँ पे हम ब्रिटेन के लॉज को फॉलो करते हैं जो हमारे पाकिस्तान की या इंडिया की क्रिएशन से पहले के बन चुके हैं, और हम बड़ा फख्र करते हैं कि ये गोरों के कवानीन और बड़े जबरदस्त कवानीन है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज अगर उनके मुल्क के अंदर इस तरह का कोई फसाद, कोई फितना, कोई दजाल वहां पर बर्पा होता है तो उनका जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है दे एंटायरली फेल, दे एंटायरली कोलैप्स टू कोप विद द मैटर। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं दूसरी चीज देखे मैं, आई एम कमिंग टू दैट, बट वकास साहब टू द पॉइंट बात करते हैं, समय कम है। सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जब देखते हैं कि मंदिर के ऊपर से एक झंडा उतार कर फेंक देती है भीड़ और फिर उसको आग लगा देती है तो उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखें, किसी भी चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे वो हमारा मजहब हो, किसी भी मजहब की जो रसूमात हैं, जो उनके मुकद्दस चीजें हैं, बिल्कुल कोई भी कानून कोई भी आने इजाजत नहीं देता। तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे आप? जो भी ये करेगा, इतनी प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो वहां पर मंदिर के सामने खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो वहां पर एक साध्वी का कार्यक्रम होने वाला होता है, वो शख्स जो कि गुंडागर्दी करे, जो वायलेंस करे, ओप्रेशन को और टेरर को सोसाइटी में प्रमोट करे, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नॉन नोइंग सिटीजन, आई मस्ट कंडेम दैट। शायद आप जैसी बात पे वहां पे लोग करते तो ये नौबत ही नहीं आती। आचार्य विक्रमादित्य, ये बातें टीवी पर बैठकर बड़ी अच्छी लग रही हैं लेकिन क्या ब्रिटेन में जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे जो पाकिस्तान के होंगे, जो मुस्लिम वहां पर इस तरह से हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के खिलाफ, आपने सुना यहाँ पर साध्वी रितंबरा क्या कह रही है, सनातन को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सनातन गौरव जी, यही सत्य बात है कि ऑर्गेनाइज वे में कॉन्स्पिरेसी रखी जा रही है पूरे विश्व में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और लगातार हमने देखा किस प्रकार से खेल रचा गया, और वही खेल आप जो वहीं के लोग हैं सारे के सारे मिलकर जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश रचकर ये खेल रचा जा रहा है, पूजा करते वक्त मंदिरों में अंडे फेंके जा रहे हैं, ये लगातार चल रहा है, ये लगातार अभी वहां पर राजेश्वर जी ने साफ, जो वहां उससे बड़ा गवाह तो नहीं है ना जो वहां बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार का खेल रचा हुआ, हमने वीडियोज देखे हैं कि कैसे लगातार पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार का वहां पर खेल रचा जा रहा है, लगातार हमला करा जा रहा है, ये केवल सनातन पद्धति पे हमला करने की व्यवस्था है। आज सारा खेल वोट बैंक का है, 5% के आसपास वहां मुसलमानों की आबादी हो चुकी है और जो आगे आने वाले समय दिखाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो करेंगे 11% के आसपास, आप किसी को दूसरे धर्म की निंदा नहीं हो रहा है, बेइज्जती थोड़ी ना करेंगे।